हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभ्रा। वेलकम टू सैलेड एंड फूड। आज की रेसिपी है चटपटा चना। ये कम्प्लीटली ऑयल फ्री है और यदि आप वेट लॉस का सोच रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। एज अ स्नैक्स, एज अ सैलेड, जैसे भी खाइए, इस डिश को खाने का बहुत ही मज़ा आता है। बहुत ही हेल्दी डिश है, तो चलिए बनाते हैं। इस डिश को बनाने के लिए हम एक बाउल में भीगा हुआ चना दाल ऐड करेंगे। चना दाल को मैंने पहले से ही 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। चॉप्ड अनियंस। इस डिश को थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर लेंगे रेड चिली फ्लेक्स। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। और अब सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, चटपटा चना रेडी है। इसे और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर लेंगे लेमन जूस। और जब हम सर्व कर रहे हैं तभी इसमें लेमन जूस ऐड करना है। और फिर से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सर्व कीजिए बाउल में और इस चटपटे चने का मज़ा लीजिए। चटपटे चने का क्रंची चना, क्रंची अनियंस बहुत ही टेस्टी लगता है। ये इतना टेस्टी लगता है कि आप बहुत सारा खा सकते हैं और हेल्दी भी है। यदि आप वेट लॉस प्लानिंग में हैं तो इस टाइप के डिशेस ज़रूर ट्राई कीजिए, जो कि कम्प्लीटली ऑयल फ्री है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यदि आपके पास ग्रीन वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं हैं तब भी आप एक हेल्दी चटपटा स्नैक्स बना सकते हैं और बहुत ही कम समय में बना सकते हैं, जिसमें मिनिमम इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं। एज अ स्नैक्स, एज अ सैलड, जैसे भी खाइए, ये बहुत ही टेस्टी, क्रंची और यम्मी लगता है। ईट एंड एन्जॉय। अपकमिंग रेसिपीज़ की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल सैलड एंड फूड को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट रेसिपी।